पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव के पहले रतलाम में मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महामिलावटी कह रहे हैं हुआ तो हुआ, लेकिन अब जनता कह रही है बहुत हो चुका। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के 84 दंगों पर दिए बयान हुआ तो हुआ के जरिए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकार में हुए घोटाले भी गिनाए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ, लेकिन जनता कह रही है कि अब बहुत हुआ। ये तीन शब्द नहीं है, एक कांग्रेस की विचारधारा है। ये तीन शब्द नहीं है, ये कांग्रेस का अहंकार है। ये तीन शब्द नहीं है, देश की जनता के प्रति उनका रवैया है। ये तीन शब्द नहीं है, ये देश की जनता को अपनी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, ये अहंकार का प्रतीक है। बोफोर्स तोप घोटाले पर इनका एक ही जवाब है, हुआ तो। पनडुब्बी घोटाले पर, सबमरीन घोटाले पर इनका एक ही जवाब है। क्या जवाब है? हेलीकॉप्टर घोटाले पर इनका एक ही जवाब है। क्या जवाब है? जरा पूरी ताकत से बताओ तो उनको पता चले। हुआ तो। साथियों, कॉमनवेल्थ घोटाला करके इन्होंने देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, लेकिन जवाब है टूजी घोटाला करके इन्होंने देश में टेलीफोन सेवाएं महंगी कर दी, लेकिन जवाब है कोयला घोटाला करके इन्होंने देश की संपदा को लूट लिया, लेकिन इनका एक ही जवाब है। पूरी ताकत से बोलिए, दूर दूर खड़े हुए लोग भी बोलिए। साथियों, ये महामिलावटी लोग कह रहे हैं हुआ तो, जिसे कांग्रेस लालची कहती है, जिस पर टैक्स बढ़ाने की धमकी देती है, वो मध्यम वर्ग का मानवी कह रहा है महामिलावटी लोगों, मिडिल क्लास का अपमान बहुत हुआ। वो नौजवान जिनके अधिकार अब कांग्रेस के करीबी लूट रहे हैं, वो नौजवान चीख चीख करके कह रहा है, वो गरीब महिलाएं जिन्हें कांग्रेस राज में भेदभाव के चलते रसोई गैस नहीं मिली, पक्का घर नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, वो गरीब जिन्हें कांग्रेस के शासन में सस्ता इलाज नहीं मिला, वो कह रहा है महामिलावटी लोगों, गरीब के साथ भद्दा मजाक बहुत हुआ। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्ज माफी पर कमलनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि इन्होंने कहा था कि बिजली का बिल हाफ करेंगे, हुआ क्या? बिल हाफ हुआ या बिजली की सप्लाई हाफ हुई? आज किसानों के घर पर पुलिस पहुंच रही है, कर्जदार किसानों के जेल जाने की नौबत आ रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बताइए, यहाँ इन लोगों ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था कि नहीं किया था? सब पे सब बताएंगे तो फिर मैं मानूंगा, वरना मैं भी क्यों मानूंगा? कर्ज माफी का वादा किया था, 10 दिन में करेंगे ऐसा कहा था, उनके नामदार ने आके कहा था, मध्य प्रदेश को 1 से 10 की गिनती सिखाई थी, और अगर 10 दिन में नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे कहा था कि नहीं कहा था? ये सब कुछ पब्लिक में कहा था कि नहीं कहा था?
जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, जनता जनार्दन के सामने कहा था कि नहीं कहा था, उसको भी उन्होंने ठगा कि नहीं ठगा, आपको ठगा कि नहीं ठगा, ईश्वर को ठगा कि नहीं ठगा, इस पर भरोसा कर सकते हैं? बिजली का बिल हाफ करेंगे, कहा था ना बिजली का बिल हाफ करेंगे, ये कहा था का? ऐसा नहीं, जरा मुझे बताइए कहा था, कहा था? भाइयों बहनों, बिल हाफ हुआ या बिजली की सप्लाई हाफ हुई? भाइयों और बहनों, आज किसानों के घर पर पुलिस पहुंच रही है, कर्जदार किसानों के जेल जाने की नौबत आ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब है तुगलक रोड चुनाव घोटाला। कुल मिलाकर पीएम मोदी सैम पित्रोदा के बयान को पूरी तरह से एमपी में भुनाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रतलाम।